क्या कह रहे हो, ऑफलाइन रहता हूं तो सिर्फ दाल रोटी नौकरी एवं परिवार की ही चिंता रहती है, ऑनलाइन होते ही धर्म समाज राजनीति देश विश्व और पूरे ब्रह्मांड की चिंताएं होने लगती हैं। ये इंटरनेट का एक क्या है, अभिशाप कहेंगे इसको, है ना, या एक नेगेटिव बात कहेंगे कि आप कोशिश कीजिए, आपके लिए अभी इस टाइम पे क्या जरूरी है वो है आपकी नौकरी या आपका परिवार या जो भी आप पहले बात बता रहे हैं, तो उसी पे फोकस कीजिए, इंटरनेट उतना ही यूज कीजिए जितना जरूरी है ना। इवन मैं भी खुद बहुत कम कोशिश करती हूँ आजकल यूट्यूब देखने की, हालांकि क्योंकि मैं क्रिएटर साइड पे भी हूँ तो जरूरी हो जाता है कई बार देखना भी, बट फिर भी मैं अवॉइड करती हूँ। मैं कोई आजकल उस जोन में हूँ कि मैं कोई एक सीरीज देख लूंगी, मैं कोई एक मूवी देख लूंगी जिससे एक स्टोरी है वो कम से कम मेरे को रिफ्रेश करेगा, या एक स्टोरी मेरे सामने पूरी प्रेजेंट हुई। और अगर हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो वो एक एक सेकेंड की रील्स, एक एक सेकेंड तो नहीं खैर, एक एक मिनट 30 सेकेंड्स की रील्स, वो शॉर्ट वीडियोज और फालतू की दुनिया भर की 5-5 मिनट की भी वीडियोज, इससे क्या होता है ब्रेन आपका डिस्ट्रक्ट होने की स्थिति में जाता है। मतलब वो डोपामिन इतना ज्यादा, मतलब बम्बार्डमेंट है वो कि हर 5 मिनट में, स्टोरी कोई कंप्लीट नहीं हो रही बट वो 5-5 मिनट में आपने इतना डेटा दिमाग को दे दिया कि वो प्रोसेस करते करते परेशान हो जाएगा। तो जो काम की चीजें हैं, जब भी तो हम देखते हैं ना 1 घंटे की क्लास कितनी भारी पड़ जाती है, वहीं 1 मिनट की रील में हमें कोई समस्या नहीं है। तो वो जरूरी है कि आप थोड़ा सा दिमाग को चिल्ड आउट करके, और जो जरूरी है आपके जीवन में जैसे आपकी पढ़ाई तो आप उस पर फोकस करें, थोड़ा बहुत अगर आपको आधा घंटा देना है तो उस चीज़ में कर लीजिए, या कुछ ऐसा देख लीजिए जिसकी कोई स्टोरी हो, कोई सीरीज आप देख रहे हैं, कोई मूवी आप देख रहे हैं, तो खाना खाते हुए या कभी भी जब भी आपको लगता है कि वो आधा घंटा आपको एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए तो वो देख लीजिए, एटलीस्ट दिमाग आपका थोड़ा सा पीसफुल होगा, एक स्टोरी में बंधेगा। अदरवाइज इंटरनेट ने क्या किया है कि वो छोटे छोटे चंक्स में हमें चीज़ें दे दी हैं और दिमाग हमारा कन्फ्यूज होता है या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है प्रोसेस करने के लिए। तो ये तो सच है ही, तो ये समाज और धर्म और पूरी दुनिया के मुद्दे आप तब संभालिएगा, पहले अपने घर की रोटी संभालिए, तो उसके लिए पढ़ाई कीजिए, है ना। और अगर ऑफलाइन रहने में भलाई लग रही है तो ऑफलाइन रहिए, इंटरनेट पे कुछ दुनिया नहीं खत्म हो रही, जीवन आपका अपने ही जीवन में कुछ अच्छा करने से चलेगा, वीडियो देखने से तो नहीं चलने वाला। थोड़ा बहुत कभी अगर नॉर्मली देखते हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होते हैं तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है।